हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर वन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और लाइक बेटा नहीं किया, 200 बच्चों ने लाइक नहीं किया अभी तक। 200 बच्चों ने अभी आप में से लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं स्पीड में, ठीक है? जल्दी से, और मैं एक बार इन्वाइट भी कर लेता हूँ बच्चों को। बेटा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको मिल जाएगी। अभी वाली जो पीडीएफ 7:30 वाली थी मैंने आपको प्रोवाइड भी कर दी थी। चलिए टाइम हो रहा है 8:40, ठीक है? टाइम हो रहा है 8:40। चलिए देखते हैं कितनी देर में आप कंप्लीट करते हैं। क्या 20 मिनट में आप कंप्लीट कर सकते हैं इस पेपर को? देखिएगा, पहला क्वेश्चन है वायरस। ये प्रीवियस ईयर पेपर है बेटा, 100 क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा। वायरस एनवेलप इज नोन एज, वायरस एनवेलप को क्या कहते हैं बेटा? कैप्सिड का नाम दिया जाता है। सम हाइपर थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक पीएच 2 हैबिटेट बिलोंग टू द टू ग्रुप। हाईली एसिडिक हैबिटेट में कौन पाया जाएगा बेटा? एक तो आर्की बैक्टीरिया होते हैं और आर्की बैक्टीरिया आर्किया से बिलोंग करते हैं, और दूसरा यू बैक्टीरिया के भी कुछ मेंबर हो सकते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन्फेक्शियस प्रोटीन आर प्रेजेंट इन, इन्फेक्शियस प्रोटीन कहाँ पर पाई जाती है बेटा? प्रियोन आर द इन्फेक्शियस प्रोटीनेसियस एजेंट। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर इनडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग। तो आप ऑप्शन देखिए, ये ब्रायोफाइट का मेंबर स्फैग्नम, मस्टर्ड एनजीओ का मेंबर है, कैस्टर एनजीओ का मेंबर है, पाइनस जिम्नो का मेंबर है। अब जिम्नो और एनजीओ जो सीड प्लांट होते हैं, यहाँ पर जो गैमेटोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट के ऊपर, और फ्री लिविंग नहीं होता। लेकिन ब्रायोफाइट में तो आप जानते हैं कि गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट भी होता है और फ्री लिविंग होता है। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट आर इंक्लूडेड इन, सिंगल सेल यूकैरियोट प्रीवियस ईयर पेपर है बेटा, सबको आना चाहिए। सिंगल सेल यूकैरियोट को कहां रखा गया? प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। जल्दी से स्पीड बढ़ाइए, जल्दी से स्पीड बढ़ाएंगे बेटा। वन एग्जांपल ऑफ एनिमल हैविंग ए सिंगल ओपनिंग टू आउटसाइड दैट सर्व बोथ माउथ एज वेल एज एनस। ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करो, और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेटी हेलमिंथ में आपको बताया गया है, और प्लेटी हेलमिंथ का मेंबर कौन सा है यहाँ पर? फेशियोला प्लेटी हेलमिंथ का मेंबर है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑल द फोर स्पॉन्जिला लीच डॉल्फिन एंड पेंगुइन इज करेक्ट? पहला है ऑल आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, स्पॉन्जिला स्पॉन्ज है और स्पॉन्ज एसिमेट्रिकल होती, तो ये गलत हो गया। पेंगुइन इज होमियोथर्मिक व्हाइल द रिमेनिंग थ्री आर पॉइक्लोथर्मिक। पेंगुइन डॉल्फिन मैमल है बेटा, और ये भी होमियोथर्मिक होगी, तो ये भी गलत हो गया। लीच इज ए फ्रेश वाटर व्हाइल ऑल अदर आर द मैरीन, तो बेटा स्पॉन्जिला इज द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ये भी गलत हो गया। स्पॉन्जिला हैज स्पेशल कॉलर सेल कॉल्ड क्विनोसाइट नॉट फाउंड इन रिमेनिंग थ्री, ये करेक्ट ऑप्शन आपको हो जाएगा डी। विच आर द फॉलोइंग काइंड ऑफ एनिमल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के बारे में आपसे पूछा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के बारे में आपसे पूछा है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कोरल किसके मेंबर है? सिलेंट्रेटा के, सिलेंट्रेटा के मेंबर है, है ना, सिलेंट्रेटा। फ्लैट वर्म प्लेटी हेलमिंथ के मेंबर है, स्पॉन्जेस पोरीफेरा के मेंबर है, टीनोफोर टीनोफोरा के मेंबर है, तो टीन पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन प्लेटी हेलमिंथ से स्टार्ट हुआ, उसके पहले के तीनों फाइलम में डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल इज करेक्ट? फ्लैट वर्म प्लेटी हेलमिंथ आर सिलोमेट, नहीं बेटा ए सिलोमेट होते हैं। राउंड वर्म एस हेलमिंथ आर स्यूडो सिलोमेट, खूब पूछा जाता है और यही करेक्ट हो जाएगा। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली किससे बनी होती है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली बनी होती है फॉस्फोलिपिड एम्बेडेड इन प्रोटीन बाइलेयर, नहीं बेटा प्रोटीन एम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, सी आपने किया बेटा, 10 का अगर सी आपने किया तो सही है, अगर आपने बी कर दिया तो फिर गलत हो जाएगा आंसर। बहुत बच्चों ने बी कर दिया है बेटा, सी करना है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में प्रोटीन एम्बेडेड होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल इज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे, दो प्लांट सेल के बीच में ट्रांसपोर्ट का काम किसके द्वारा किया था? प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन डीएनए,
तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि सर्कुलर होता है। मेन अरेना ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ए सेल इज मेन अरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी एनसीईआरटी में दिया गया दैट इज साइटोप्लाज्म। ड्यूरिंग माइटोसिस ईआर एंड न्यूक्लियोलस बिगिन टू डिसअपियर। एट ईआर और न्यूक्लियोलस कब डिसअपियर होते हैं? लेट प्रोफेज में डिसअपियर होते हैं, लेट प्रोफेज में डिसअपियर होते हैं। एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ। एल्गी की सेल वॉल किससे बनी होती है? एल्गी की सेल वॉल किससे बनी होती है बेटा, जल्दी से बताइए। एल्गी की सेल वॉल किसके द्वारा बनी होती है? एल्गी की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज गैलेक्टन्स मैनन्स के द्वारा। सेलुलोज गैलेक्टन और मैनन के द्वारा बनी होती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। एल्गी के अलावा जो बाकी प्लांट होते हैं उनमें सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन पाया जाता है, लेकिन एल्गी में सेलुलोज, गैलेक्टिन, मैनन और कैल्शियम कार्बोनेट जैसे मिनरल पाए जाते हैं बेटा। चलिए, और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको दिया जा रहा है, ठीक है, तो उस लिंक पे आप ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आर एब्सेंट इन। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कहाँ नहीं पाए जाते हैं? मोनेरा यानी प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते हैं। प्लाज्मोडियम तो यूकैरियोट है, सैक्रोमाइसिस ईस्ट भी यूकैरियोट है, क्लेमाइडोमोनास भी यूकैरियोट है, स्ट्रेप्टोकॉकस, स्ट्रेप्टोकॉकस प्रोकैरियोट है, तो यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट हो जाएंगे। द काइंड ऑफ एपिथीलियम विच फॉर्म द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल की इनर वॉल का फॉर्मेशन कौन करता है? इनर वॉल का फॉर्मेशन ब्लड वेसल की स्क्वेमस एपिथीलियम। विच स्टेजेज ऑफ सेल डिविजन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ए एंड बी रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली। फिगर ए क्या बता रहा है और बी क्या बता रहा है? तो ए को देखिए, जो क्रोमेटिड है बेटा ये अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं ना, तो ये मतलब ये क्या है, एनाफेज है। और यहां पर देखिए दो सेंट्रियोल आपको दिखाई दे रहे हैं और एक न्यूक्लियस है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिखाई दे रही है, मतलब ये प्रोफेज है। तो ए लेट एनाफेज है और बी जो है वो प्रोफेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। कल मैंने शाम को बताया था बेटा, जो बच्चे नए हो जान लें कि शाम को 7:30 बजे हम एनसीईआरटी का रिवीजन करें। कल 2 चैप्टर मैंने रिवाइज कराए थे, आज 4 चैप्टर में रिवाइज कराऊंगा। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल के 3 चैप्टर और एक इवोल्यूशन वाला चैप्टर। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस फैक्टर अकर इन पेयर बताता है, सही है। द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोल ए पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड अ फैक्टर, ये भी सही है। वन आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव, ये भी सही। एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, कल मैंने कई बार इसको बोला था कि एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के द्वारा एक्सप्लेन किया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस इसको एक्सप्लेन नहीं करता, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। द जीनोटाइप ऑफ ए प्लांट शोविंग डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड, ये भी कल मैंने समझाया था कि अगर डोमिनेंट फिनोटाइप और उसका जीनोटाइप पता लगाना है तो उसके लिए क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस का यूज किया जाता है। 100% मैंने कहा था कि अगर ऑल आर डोमिनेंट देन होमोजाइगस एंड 50% डोमिनेंट देन हेट्रोजाइगस हो जाएगा। द वन ऑस्पेक्ट विच इज नॉट ए सेलियंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड, ये भी तो कल पढ़ा, स्पेसिफिक होता है जेनेटिक कोड, डीजेनरेट होता है, यूनिवर्सल होता है और अनअम्बिगुअस होता है। यहाँ पर अम्बिगुअस लिखा है जो कि गलत है, जेनेटिक कोड का नेचर अनअम्बिगुअस होता है, असंदिग्ध होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। सैटेलाइट डीएनए इज यूजफुल टू लेन, सैटेलाइट डीएनए कल ये भी आपको मैंने रिवाइज करा। सैटेलाइट डीएनए का यूज कहाँ करते हैं बेटा? सैटेलाइट डीएनए का यूज फॉरेंसिक साइंस में किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सैटेलाइट डीएनए का यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी, तो HIV सेंट्रल डॉगमा को फॉलो नहीं करता, क्योंकि सेंट्रल डॉगमा कहता है कि इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन की डायरेक्शन में फ्लो होती है, लेकिन HIV में आरएनए से डीएनए की तरफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, मतलब ये सेंट्रल डॉगमा को फॉलो नहीं करता है। ABO ब्लड ग्रुपिंग, ये भी कल आपने पढ़ा। इन ह्यूमन आर कंट्रोल्ड बाय द जीन आई, इट हैज 3 एलील, सिंस देर आर 3 डिफरेंट एलील 6 डिफरेंट जीनोटाइप आर पॉसिबल, हाउ मेनी फिनोटाइप, मैंने रूल बताया था 1 3 4 6, याद है, एक जीन 3 एलील 4 फिनोटाइप 6 जीनोटाइप, तो फिनोटाइप पूछा है 4 हो जाएंगे, करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो विद रिस्पेक्ट टू डाईहाइब्रिड क्रॉस, ये भी कल मैंने बताया। डाईहाइब्रिड क्रॉस टाइटली लिंक्ड जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम सो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन, एकदम सही, टाइटली लिंक जीन याद करिए, वाई और डब्ल्यू टाइटली लिंक थे और इसमें रिकॉम्बिनेशन केवल 1.3% आया था, 1.3% टाइटली लिंक जीन में वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन। सेलेक्ट द टू करेक्ट स्टेटमेंट
आउट ऑफ फोर गिवन बिलो अबाउट लाइकोपेरॉन, लाइकोपेरॉन भी कल मैंने बताया था ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बाइंड विद रिप्रेशर एंड इनएक्टिवेटेड। नहीं बेटा, ग्लूकोज गैलेक्टोज कभी इंड्यूसर नहीं हो सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज द रिप्रेशर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन, ये सही है। जेड जीन कोड फॉर द परमिए, जेड जीन की अगर हम बात करते हैं तो जेड जीन बीटा ग्लूकोसाइडेस को कोड करता है। दिस वॉज इलुसिनेटेड बाई जैकब एंड मोनार्ड, ये भी सही है। तो बी और डी सही ऑप्शन है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन है? बी और डी करेक्ट ऑप्शन है, यानी करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, है ना। बी और डी सही है, मतलब करेक्ट आंसर आपका फोर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन यूज इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस, ये भी तो कल कराया था। ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस में किसका यूज करते हैं बेटा? ये देखे, मेल अफेक्टेड है, नहीं बेटा ये अनस्पेसिफाइड सेक्स है। अनअफेक्टेड मेल, नहीं बेटा ये अनअफेक्टेड फीमेल है। ये अनअफेक्टेड मेल है, ये कंसेंजुनस मेटिंग है बेटा, कंसेंजुनस मेटिंग, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डार्विन फिंचेस, या शाम को कराऊंगा, डार्विन फिंचेस गुड एग्जांपल है किसका? एडॉप्टिव रेडिएशन का बेहतरीन एग्जांपल है। द स्कुटेलम ऑब्जर्व इन ए ग्रेन ऑफ व्हीट और मेज इज कंपेरेबल टू विच पार्ट ऑफ सीड इन अदर मोनोकॉट, तो कॉटिलेडन जो स्कुटेलम है बेटा ये एक्चुअली कॉटिलेडन को रिप्रेजेंट करता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। Which one of the following is not a micronutrient? कौन सा micronutrient नहीं है? Boron micronutrient है, molybdenum भी है, zinc भी है, लेकिन जो magnesium होता है ये micronutrient होता है, तो ये आपका answer हो जाएगा। 30 question 10 मिनट में हो गए, 30 question 10 मिनट में आपने कर लिए, बेहतरीन। 8:40 पे आपने शुरू किया, 10 मिनट में आपने 30 question निपटा दिए, बहुत बढ़िया। An element playing important role in nitrogen fixation है, कह रहे जो element nitrogen fixation में important role play करता है, that is the molybdenum, क्योंकि molybdenum nitrogenase enzyme को activate करता है। Which of the following is not a lateral meristem? Lateral मतलब secondary meristem कौन सा नहीं है? अभी कुछ देर मैंने पहले आपको बताया था कि intrafascicular cambium की अगर हम बात करते हैं, intrafascicular cambium, अच्छा एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्राइमरी हो जाएगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम सेकेंडरी होगा, फिलोजन सेकेंडरी होगा, और ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है बेटा, ये इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये प्राइमरी मेरिस्टम हो जाएगा, लेकिन इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है, तो ये लेटरल मेरिस्टम हो जाएगा, लेटरल मेरिस्टम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या करोगे? करेक्ट आंसर इंटरकैलरी करोगे, करेक्ट आंसर इंटरकैलरी करोगे। C4 plant are more efficient in photosynthesis than C3 plant due to, C4 plant ज़्यादा efficient क्यों होता है? और ये बढ़िया सवाल है बेटा, इसमें आप गलती कर सकते हैं। C4 plant की efficiency क्यों ज़्यादा होती? क्योंकि यहाँ पर presence of large number of chloroplast in leaf cells, C option correct होगा, C option correct होगा। यहाँ पर कुछ बच्चे A option कर रहे हैं, A option कर रहे हैं कि lower rate of photorespiration, बेटा C4 में photorespiration होता ही नहीं है, तो लोअर रेट आप कैसे करोगे? यहां तो फोटो रेस्पिरेशन पाया ही नहीं जाता, इसलिए ए ऑप्शन को सेलेक्ट मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट कर रहे हैं। इन यूनिलोकुलर ओवरी विद ए सिंगल ओव्यूल द प्लेसेंटेशन इज, एक ही ऐसा प्लेसेंटेशन है जहां पर सिंगल ओव्यूल ओवरी के बेस से निकलता है, दैट इज द बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन आपको बताया गया एनसीईआरटी में, है ना, सनफ्लावर आपको बेसल प्लेसेंटेशन आपको बताया गया। जैसे कि अगर हम बात करते हैं पोएसी फैमिली के बारे में, राइस की बात करें, वीट की बात करें, तो इनमें यूनिलोकुलर ओवरी होती है और सिंगल ओव्यूल अराइज करता है, दैट इज द बेसल प्लेसेंटेशन। द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म, जाइलम जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म में वेसल तो पाए नहीं जाते, तो चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा? ट्रेकिड हो जाएगा। हाँ, सनफ्लावर मैरीगोल्ड भी सही है, पोएसी राइस और वीट भी सही हो जाएगा। The technical term used for the androecium in flower of China rose, China rose में technical term कौन सा यूज करते हैं? Monoadelphous, P में diadelphous condition हो जाता है और citrus में polyadelphous condition पाई जाती बेटा। Ovaries half inferior plum में, peach में, rose में पाई जाती है, C option correct होगा। Heartwood differ from sapwood, heartwood अलग है, क्यों? क्योंकि heartwood में डेड और नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट पाए जाते हैं, हार्टवुड वाटर कंडक्शन का काम नहीं करता है। कील इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावर ऑफ, कील किसका फीचर है बेटा? ये फैबेसी का फीचर है, फैबेसी में
पैप्लियोनेसियस या फिर पैप्लियोनेसियस करोला पाया जाता है, पैप्लियोनेसियस एस्टिवेशन होता है, और पैप्लियोनेसियस एस्टिवेशन में ये स्टैंडर्ड होता है, दो विंग होते हैं और इंटीरियर दो कील पाए जाते हैं। तो पी बीन, पी और बीन में कंडीशन पाई जाती, बीन ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वन ऑफ द फ्री लिविंग एनरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशर, एजोटोबैक्टर, बीजेरिंकिया, रोडोस्पेलम तीनों ही फ्री लिविंग है, राइजोबियम सिम्बायोटिक है, लेकिन एजोटोबैक्टर और बीजेरिंकिया ये दोनों एरोबिक नेचर के हैं, तो एक ही ऑप्शन बचा रोडोस्पेरिलम, फ्री लिविंग एनरोबिक और इंपॉर्टेंट है बेटा, एनसीईआरटी में दिया भी गया है आपको। PGA at as first CO2 fixation product was discovered in the photosynthesis of, किसकी photosynthesis में पहले stable product का पता चला था बेटा, algal photosynthesis में मेल्विन केल्विन ने पता लगाया था, और एल्गी का नाम आप बता दें, 786 इस समय टॉप चैट है, वेरी गुड, 786 बहुत लकी नंबर है। चलिए बताएंगे कौन से एल्गी थे बेटा यहाँ पर, द एनर्जी रिलीजिंग मेटाबोलिक प्रोसेस इन विच Substrate is oxidized without an external electron acceptor is called, बिना किसी electron external electron acceptor के बेटा, that is the fermentation, fermentation process में energy release होती बिना किसी external electron acceptor के, यहाँ पर जो NAD होता है यही electron acceptor के रूप में काम करता, कोई external electron acceptor नहीं होता है। क्लेडोफोरा नहीं बेटा, क्लोरेला और सिनेडेस्मस, क्लोरेला और सिनेडेस्मस, ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा था बेटा उसमें क्लोरेला और सिनेडेस्मस आंसर हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन क्लोरेला और सिनेडेस्मस आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फोटो पीरियोडिज्म वाज फर्स्ट कैरेक्टराइज्ड इन, फोटो पीरियोडिज्म ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, फोटो पीरियोडिज्म का पहली बार पता कहां पर चला था, फोटोपीरियोडिज्म का पहली बार का पता कहां पर चला, टोबैको प्लांट के अंदर। चलिए यहां पर बताइएगा, आपको करेक्ट बताना है, तो अब देखिए यहां पर रेस्पिरेटरी कैपेसिटी दिए गए और उनके वॉल्यूम आपको दिए गए, तो पहला रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल अच्छा ऑप्शन देखिएगा, पहले ऑप्शन में कहा है ए 4500 ml, तो रेजिडुअल वॉल्यूम बेटा कितना होता है, 1100 से 1200 होता है, यानी इसका मतलब ऑप्शन गलत हो गया। फिर टू ऑप्शन को देखिए, इसमें कहा है बी 2500 ml, बी को कहा है 2500 ml, वाइटल कैपेसिटी 2500 ml बताई गई, तो वाइटल कैपेसिटी बेटा अगर हम देखें तो वाइटल कैपेसिटी तो करीब 4000 ml से ज्यादा होती है। सी ऑप्शन में क्या कहा गया, सी ऑप्शन में कहा गया सी 1200 ml, सी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 होता है, ये सही है, और डी को कहा गया 2500, डी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में IRV और टीवी दोनों आते हैं, यहाँ पर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IRV प्लस IRV और टीवी आ जाएगा। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 2500 से 3000 और टीवी 500 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 3000 आएगा, ये भी गलत हो गया। अब चौथा ऑप्शन का डी 3500 ml, तो अगर हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करते हैं और IRV 2500 से 3000 होता है तो इसका मतलब है कि IC 3000 से 3500 हो सकता, सही है, और A 1200 कहा गया है, मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 होता है, डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, अगर सब कुछ आता है तभी आप कर पाओगे, है ना, वरना हो नहीं पाएगा ये। व्हाट इज ट्रू अबाउट RBC इन ह्यूमन, RBC के लिए क्या सही है, दे डू नॉट कैरी ऑफ CO2 एट ऑल, गलत है बेटा, ये CO2 कैरी करते, दे कैरी अबाउट 20-25% of the CO2, yes, सही statement है। They transport 99.95% oxygen, नहीं बेटा 97% oxygen को transport करते हैं। If due to some injury the chordae tendine of the tricuspid valve of the human heart is partially non-functional, what will be the immediate effect? यार chordae tendine अगर partially non-functional हो जाए, सोचिए कॉर्डी टेंडिन अगर नॉन फंक्शनल हो जाए किधर, ट्राइकस्पिड वॉल्व की, तो ट्राइकस्पिड मतलब राइट साइड की बात कर रहा है, तो उस केस में जो ब्लड का फ्लो होगा, ब्लड फ्लो इन द पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस्ड, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर ये यहाँ पर बाइकस्पिड दिया जाता तो आप कहते हैं फ्लो ऑफ ब्लड इनटू अरोटा विल बी स्लो डाउन, ध्यान दीजिए बी ऑप्शन सही होता, ट्राइकस्पिड है इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। Which one of the following statement in regard to the excretion by human kidneys is correct? Ascending limb of Lopa Finley is impermeable to electrolyte, गलत है बेटा, ascending limb permeable होती है।
डिसेंडिंग लिंब ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर, ये भी गलत है, परमेबल होती वाटर के लिए डिसेंडिंग लिंब। डीसीटी इज इनकैपेबल ऑफ रिअब्सॉर्बिंग बाइकार्बोनेट, ये भी गलत है, नियरली 99% ऑफ फिल्ट्रेट इज रिअब्सॉर्ब बाय रिनेटिविल, बिल्कुल सही है। 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है दिन भर में और केवल 1.5 लीटर ही यूरिन में कन्वर्ट होता है, मतलब 1% से कम, यानी 99% फिल्ट्रेट रिअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड मे लीड टू द डिजीज, अगर लो कैल्शियम है बॉडी फ्लूइड में तो इसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है, टिटैनी नाम की डिजीज होती है। इफ फॉर सम रीजन अवर गॉबलेट सेल आर नॉन फंक्शनल दिस विल एडवर्सली अफेक्ट, गॉबलेट सेल क्या सिक्रीट करती है, म्यूकस को सिक्रीट करती है, म्यूकस फूड को लुब्रिकेट करता है ताकि उसका इंटेस्टाइन में स्मूथ मूवमेंट हो, तो अगर ये एडवर्सली अफेक्ट हो जाए, काम नहीं करेंगी, तो स्मूथ मूवमेंट फूड का इंटेस्टाइन में नहीं हो पाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द नर्व विच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर एंड अर्ज फॉर ईटिंग एंड ईटिंग आर कंटेन्ड इन नर्व सेंटर, कौन है बेटा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, देखिए हाइपोथैलेमस बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, खूब आपसे पूछा जाता है। वासा इफरेंशिया आर द डक्ट्यूल लीडिंग फ्रॉम, तो इसलिए मैंने पूरा सिक्वेंस बताया था, रेटी टेस्टिस, देन वासा इफरेंशिया, देन एपिडिडाइमिस, देन वास डिफरेंस, ये सिक्वेंस मैंने आपको बताया था। अब आपसे कह रहे हैं कि अगर वासा इफरेंशिया की बात करें तो वासा इफरेंशिया रेटी टेस्टिस से कहां पर पहुंचती है, एपिडिडाइमिस में। अब आप ऑप्शन देखिए, एपिडिडाइमिस टू यूरेथ्रा गलत हो गया, टेस्टिकुलर लोब्यूल टू रेटी टेस्टिस गलत हो गया, रेटी टेस्टिस टू वास डिफरेंस और वास डिफरेंस टू एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस टू एपिडिडाइमिस ये भी गलत है, रेटी टेस्टिस टू वास डिफरेंस। अब देखिए रेटी वासा इफरेंशिया रेटी टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में जाती है, लेकिन ऑप्शन ऐसा नहीं दिया गया तो इसको स्किप कर दीजिए, रेटी टेस्टिस से वास डिफरेंस भी आंसर आप कर सकते हैं, वैसे ये बहुत करेक्ट आंसर नहीं है लेकिन मजबूरी में आपको करना पड़ेगा। 20 मिनट में 50 क्वेश्चन आपने कंप्लीट किए, जल्दी से स्पीड बढ़ाइए बेटा। और द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस को समझ में आया, जैसे इतना पढ़ोगे आपको तुरंत पता चल जाएगा, फिफ्थ मंथ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है। कॉपर आयन रिलीज फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, क्या करती है कॉपर, क्या करता है बेटा कॉपर रिलीजिंग आयोडी में, कॉपर क्या करता है, हाँ लाइक भी करते रहो बेटा, जल्दी जल्दी लाइक भी करते रहो। मेक इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म की फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज कर देता है। कैरियर आयन लाइक सोडियम आयन फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंट, लाइक ये एनसीईआरटी से हटा दिया गया बेटा, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में दिया गया था, और फ्रक्टोज और सम अमीनो एसिड, फ्रक्टोज का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, ये एनसीईआरटी ने पहले बताया था लेकिन अब नई एनसीईआरटी में इसको हटा दिया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच, इंसुलिन डायबिटीज मिलिटस डिजीज सही है, ग्लूकागॉन बीटा सेल सोर्स, नहीं बेटा ग्लूकागॉन का सिक्रीशन अल्फा सेल से होता है, बीटा सेल से सिक्रीट होता है इंसुलिन। द प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड इन ह्यूमन इज सिंथेसाइज, तो यूरिया प्रिंसिपल नाइट्रोजनस कंपाउंड है जो कि सिंथेसाइज कहां होता है, इन द लीवर बट एलिमिनेटेड मोस्टली थ्रू द किडनी, लीवर में सिंथेसाइज होता है लेकिन किडनी के द्वारा इसे एलिमिनेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, इंजरी टू एड्रिनल कॉर्टेक्स इज नॉट लाइकली टू अफेक्ट द सिक्रीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, करें अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स में इंजरी होती तो किसका सिक्रीशन प्रभावित नहीं होगा, कॉर्टिसोल का प्रभावित होगा, एल्डोस्टेरोन का प्रभावित होगा, एंड्रोस्टेरोडायोन इसका भी इफेक्ट होगा, लेकिन एड्रिनलिन तो एड्रिनल मेडुला से निकलता है तो इसके सिक्रीशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट, ह्यूमन स्पर्म के लिए क्या करेक्ट है, एक्रोसोम सर्व नो पर्टिकुलर फंक्शन, गलत, एक्रोसोम का काम होता है, एक्रोसोम में जो स्पर्म लाइसिन पाया जाता है ये डिसॉल्व करता है एग एनवेलप को और फर्टिलाइजेशन में मदद करता है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कॉइलिंग ऑफ गार्डन पी टेंड्रिल अराउंड एनी सपोर्ट इज एन एग्जाम्पल, आप तो टेंड्रिल किसी भी सपोर्ट के चारों तरफ कॉइलिंग करते हैं, लिपट जाते हैं, और ये भी बहुत बढ़िया सवाल क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, दैट इज द थिग्मोट्रोपिज्म, यानी यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज इन सिट्रस एराइज फ्रॉम, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो
कहां से राइज होते हैं बेटा? मैटरनल स्पोरोफिटिक टिश्यू इन ओव्यूल, इसका कहने का मतलब है न्यूसेलस, है ना, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो न्यूसेलर सेल से राइज होते हैं, जिसको हम कह रहे हैं मैटरनल स्पोरोफिटिक टिश्यू, क्योंकि न्यूसेलस टू एन होता है और टू एन को क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट कहा जाता है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर आर, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर बेटा कैसे होते हैं? विंड पॉलिनेटेड फ्लावर स्मॉल होते हैं, प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पॉलन ग्रेन, क्योंकि ये नेक्टर नहीं प्रोड्यूस करते हैं, ब्राइटली कलर्ड नहीं होते हैं, लार्ज नहीं होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फोटोट्रॉपिक कर्वेचर इज रिजल्ट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, फोटोट्रॉपिक कर्वेचर आपने देखा कि जब खिड़की के पास में प्लांट को रखते हैं तो वो लाइट की तरफ बेंड कर जाता है, इसी को कहते हैं फोटोट्रॉपिक कर्वेचर। इसका रीजन है शेडेड एरिया की तरफ ज्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो जाना। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ एनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, प्लांट वही है, फ्लावर बदल गया तो क्या कहते हैं, जीटोनोगेमी का नाम दिया जाता है। सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल इज रिच इन, सेमाइनल प्लाज्मा किस में रिच होता है बेटा? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, फ्रक्टोज और कैल्शियम में रिच होता है। सर्टोली सेल आर फाउंड इन, सर्टोली सेल कहाँ पर पाई जाती है? सर्टोली सेल पाई जाती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, और ये जर्म सेल को या स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू ओवरी, ओवरी के नजदीक जो पार्ट होता है बेटा, ये देखिए इस तरीके से आप बनाते हैं ना, इस तरीके से आप बनाते हैं, ये यूट्रस वाला पार्ट हो गया, ये फेलोपियन ट्यूब जिसके तीन पार्ट होते हैं, इनफंडिबुलम, ये एम्पुला हो जाएगा और ये स्थमस हो जाएगा। तो आप देखिए कि ओवरी के नजदीक कौन सा पार्ट है, इनफंडिबुलम हो जाएगा। अगर यूट्रस के नजदीक पूछा जाता तो आपका आंसर स्थमस होता, ध्यान दीजिए। अगर यहां पर आपसे ओवरी की जगह पर क्लोजेस्ट टू यूट्रस कहा जाए तो यूट्रस के सबसे नजदीक कौन सा होता है, स्थमस, और एम्पुला रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इनटू द फेलोपियन ट्यूब, करें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में फेलोपियन ट्यूब में क्या ट्रांसफर, मतलब ये जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर की बात करें जिफ्ट के बारे में, तो जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर में अर्ली एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं, एम्ब्रियो ओनली नहीं बेटा, आइदर जायगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज तक हम ट्रांसफर करते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। द परमिसिबल यूज ऑफ टेक्निक एमनियोसेंटेसिस, परमिसिबल का मतलब जिसकी परमिशन है, जो हम कर सकते हैं, डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, बिल्कुल जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी को डिटेक्ट करने का यूज कर सकते हैं एमनियोसेंटेसिस के द्वारा, लेकिन डिटेक्टिंग सेक्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड ये इलीगल है, ये परमिसिबल यूज नहीं। और ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, परमिसिबल यूज आपसे कहा है, जिसकी परमिशन है, जो लीगल है। द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, सदाबहार क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन कहाँ से आते हैं, प्लेसेंटा एज वेल एज फुल्ली डेवलप फीटस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन। द बायोमास अवेलेबल फॉर कंजम्पशन बाय द हर्बी और एंड द डिकम्पोजर इज कॉल्ड, बायोमास जो कि अवेलेबल होता है हर्बी और डिकम्पोजर के लिए, वो होता है एनपीपी, यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंज्यूमर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी, सेक्स रेशियो पॉपुलेशन का करेक्टर है, नेटिलिटी मॉर्टेलिटी पॉपुलेशन का करेक्टर है, स्ट्रेटिफिकेशन कम्युनिटी का करेक्टर है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन-सीटू कंजर्वेशन, नेशनल पार्क इन-सीटू, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन-सीटू, सेक्रेड ग्रोव इन-सीटू, सीड बैंक इन-सीटू कंजर्वेशन, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ए रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, प्रीमियम में मैंने आपको कराया बेटा और ये इंपॉर्टेंट है, रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल, एग्जॉस्टेबल जो खत्म हो सकता है, रिन्यूएबल जिसको हम फिर पैदा कर सकते हैं, दैट इज फॉरेस्ट, कोल एंड पेट्रोलियम दीज आर नॉन रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल। मिनरल की अगर हम बात करें तो मिनरल क्या होते हैं, मिनरल आर रिन्यूएबल और नॉन एग्जॉस्टेबल, रिन्यूएबल नॉन एग्जॉस्टेबल, जो फॉरेस्ट होता है दैट इज द रिन्यूएबल एंड एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, तो आप पूरा भी याद कर सकते हैं यहाँ पर। द टू गैसेज मेकिंग हाइस्ट रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्रीन हाउस गैसेज, तो CO2 का कॉन्ट्रीब्यूशन 60% होता है और मीथेन का कंट्रीब्यूशन 20% होता है, सीएफसीज का कंट्रीब्यूशन 14% होता है और N2O का कंट्रीब्यूशन 6% होता है, तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका है, CO2 और मीथेन का है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग,
एक्टिवेटेड स्लज सेडिमेंट इन सेटलमेंट टैंक ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज रिसोर्स ऑफ द एरोबिक बैक्टीरिया, बताओ जल्दी से। सही या गलत है? सही है बेटा, एक्टिवेटेड स्लज जो होता है, एक्टिवेटेड स्लज में एरोबिक बैक्टीरिया काफी ज्यादा मात्रा में होता है, और यही जो एरोबिक बैक्टीरिया यही तो डीकंपोजिशन करते हैं। इफ टू विच टू ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस यूजुअली टेंड टू अकर इन द प्लेन ड्वेलर व्हेन दे मूव टू हाई अल्टीट्यूड 3500 मीटर से ज्यादा, ये अल्टीट्यूड सिकनेस का केस है। इंक्रीज इन आरबीसी साइज, नहीं बेटा, इंक्रीज इन आरबीसी नंबर बिल्कुल, इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, ये भी सही है। इंक्रीज इन थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट का काउंट नहीं बढ़ता है, तो यहां पर बी और सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, यानी टू आंसर हो जाएगा आपका। डीबी डेसिबल इज ए स्टैंडर्ड एब्रीविएशन यूज फॉर द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ, इसका किसके लिए करते हैं, पर्टिकुलर पोल्यूटेंट, कौन सा पोल्यूटेंट, नॉइस पोल्यूशन के लिए डेसिबल का यूज किया जाता है, डेसिबल। स्टडी द फोर स्टेटमेंट गिवन बिलो, सेलेक्ट द टू करेक्ट वन आउट ऑफ देम। पहला है लाइन ईटिंग ए डियर एंड स्पैरो फीडिंग ऑन ग्रेन आर इकोलॉजिकली सिमिलर इन बीइंग कंज्यूमर, बिल्कुल दोनों ही प्रेडेटर हैं। प्रेडेटर स्टारफिश पाइसेस्टर हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ सम वर्टिब्रेट, ये भी सही है। प्रेडेटर अल्टीमेटली लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ प्रे, नहीं बेटा, प्रेडेटर आर प्रूडेंट इन नेचर, वो एक्सटिंक्शन नहीं करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ केमिकल सच एज निकोटिनिन स्ट्राइकनिन ऑफ प्लांट आर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, नहीं बेटा, ये प्रेडेटर से बचने के लिए प्रोड्यूस करते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सा, ए और बी करेक्ट स्टेटमेंट, यानी करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर फिगर दिया गया आपको, ए बी सी पहचानना एनसीईआरटी का फिगर, तो ए लाइन आप देखिए, ए लाइन को जब आप देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि एक्सटर्नल लेवल चेंज हो रहा है लेकिन इंटरनल लेवल कॉन्स्टेंट है, मतलब ये रेगुलेटर है। बी में आप देखिए, बी में जैसे जैसे एक्सटर्नल लेवल चेंज हो रहा है इंटरनल लेवल भी चेंज होता जा रहा है, तो ये जो बी वाली लाइन आपको दिखाई गई ये बताती है किसको, कॉन्फर्मर को, और जो सी वाली हो पार्शियल रेगुलेटर को। तो रेगुलेटर कॉन्फर्मर पार्शियल रेगुलेटर, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। विडॉल टेस्ट इज यूज फॉर, कितना कॉमन क्वेश्चन, विडॉल टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं, टाइफाइड के लिए यूज किया जाता है। रिंगवर्म इन ह्यूमन इज कॉज बाय, रिंगवर्म कौन कॉज करता, फंजाई, कौन कौन से फंजाई कॉज करते हैं, जल्दी से नाम बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग में ग्लोमस का यूज करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज करते हैं, अर्थवर्म भी ऑर्गेनिक फार्मिंग मत करता लेकिन स्नेल ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज नहीं किया जाता है। एक कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज, देखिए बायो कंट्रोल एजेंट ट्राइकोडर्मा भी है, बैक्लोवायरस भी है, बैसिलस थुरंजेंसिस भी है, ग्लोमस नहीं, ये तो बायो फर्टिलाइजर है। अब आपसे पूछा कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट फॉर द प्लांट डिजीज, ध्यान दीजिएगा, जो बैसिलस थुरंजेंसिस है ये पेस्ट को कंट्रोल करता है, इंसेक्ट पेस्ट को, डिजीज को नहीं कंट्रोल करता। अगर हम बैक्लोवायरस की बात करें तो ये भी इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करता है, डिजीज को ट्राइकोडर्मा कंट्रोल करता, तीनों ही बायो कंट्रोल एजेंट। और अगर आप ध्यान से नहीं करेंगे तो इस क्वेश्चन को आप गलत कर देंगे, इस क्वेश्चन को आप गलत कर देंगे। द कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर इन पैडी फील्ड, पैडी फील्ड में धान के खेत में नाइट्रोजन फिक्सर कौन होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक एनाबिना एंड ऑसिलेटोरिया, ये देखिए ऑसिलेटोरिया दिया गया, कहीं राइजोबियम मत कर देना क्योंकि राइजोबियम लेगियम प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, ध्यान से करिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट किडनी ट्रांसप्लांट एंड सेलेक्ट द टू करेक्ट आउट ऑफ दिस। इवन इफ ए किडनी ट्रांसप्लांट इज प्रॉपर द रेसिपिएंट मे नीड टू टेक इम्यूनो सप्रेशन फॉर ए लॉन्ग टाइम, बिल्कुल सही है। द सीएमआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेफ्ट रिजेक्शन, ये भी सही है। द बी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजेक्शन, गलत है। The acceptance or rejection of kidney transplant depend on specific interferon, ये भी गलत है। तो correct statement A और B है, यानी A option आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। Clear बेटा? Which of the following statement is correct with respect to AIDS? The causative HIV retrovirus enter helper T lymphocyte, thus reducing their number, बिल्कुल सही answer है। Select the correct statement from the ones given below, चलिए correct statement बताइए। कोकीन इज गिवन टू पेशेंट आफ्टर सर्जरी, नहीं गलत है बेटा। बारबी ट्यूरेट व्हेन गिवन टू क्रिमिनल मेक देम टेल द ट्रुथ, गलत है ये भी। बारबी ट्यूरेट का यूज किया जाता है मेंटल इलनेस को, डिप्रेशन इंसोम्निया को दूर करने के लिए।
मॉर्फिन इज ऑफन ड्यू टू द पर्सन हु हैव अंडरगॉन सर्जरी एज ए पेन किलर. ये सही स्टेटमेंट है. ये सर्जरी के बाद पेन किलर के रूप में पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है. टॉक्सिक एजेंट प्रेजेंट इन द फूड विच इंटरफियर विद थायरोक्सिन सिंथेसिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ. ये भी बढ़िया क्वेश्चन क्योंकि एनसीईआरटी में सीधा नहीं लिखा है. टॉक्सिक एजेंट जो थायरोक्सिन की सिंथेसिस में इंटरफेरेंस पैदा करते हैं वो सिंपल ग्वाइटर प्रोड्यूस करते हैं. इसमें गलती क्या होती है, टॉक्सिक एजेंट दिया तो बच्चे टॉक्सिक ग्वाइटर सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि गलत है. सिंपल ग्वाइटर सामान्य घेंघा नाम की बीमारी हो जाएगी. द सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन ऑफ मैमेलियन ओवमकर. सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन मतलब सेकेंड मियोसिस की बात हो रही है. तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन कब होगा, अंटिल आफ्टर द ओवम हैज बीन पेनिट्रेटेड बाय स्पर्म. जब तक स्पर्म ओवम के अंदर एंटर नहीं करेगा तब तक सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा. और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे गलत करते. कम्युनिटी में भी क्वेश्चन में इस तरह के आपसे पूछता हूँ. Which of the following statement about morula in human is correct? Morula के लिए क्या correct है? It has more cytoplasm. नहीं बेटा. It has almost equal quantity of cytoplasm as the unclipped zygote, but much more DNA. ये correct option है. ये भी बहुत बढ़िया question है क्योंकि NCERT में नहीं दिया गया लेकिन BioNeet में question है. Inspection में आपको पढ़ाया था. That is most. आज का सबसे बेहतरीन सवाल है ये. स्टीर टैंक बायोरिएक्टर तो बहुत कॉमन क्वेश्चन. स्टीर टैंक बायोरिएक्टर ये नीट में भी लेटेस्ट भी पूछा गया था. स्टीर टैंक बायोरिएक्टर को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, किस तरीके से डिजाइन करते हैं बेटा इसको, ताकि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन पूरे प्रोसेस में इंश्योर हो सके. ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप विद हाई लेवल ऑफ मिनरल विटामिन एंड प्रोटीन इज कॉल्ड. क्या कहते हैं, अगर हाई लेवल में विटामिन मिनरल और प्रोटीन है क्रॉप में, दैट इज कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन. बायोफोर्टिफिकेशन जल्दी से लाइक करो. 8 क्वेश्चन बचे हुए बेटा, जल्दी से लाइक करो बेटा. आधे बच्चों ने लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक करो. हिट द लाइक बटन जल्दी से बेटा. डीएनए और आरएनए सेगमेंट टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल. डीएनए और आरएनए सेगमेंट टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड प्रोब. इसे प्रोब कहते हैं. बायोटेक में इसको डिस्कस करेंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए वेक्टर फॉर द क्लोनिंग जीन इन द हायर ऑर्गेनिज्म. हायर ऑर्गेनिज्म में क्लोनिंग के लिए किसका यूज करते हैं, रेट्रोवायरस का एनिमल के केस में और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस का प्लांट के केस में. जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल इन इंडिया हैज बीन डेवलप्ड. ये भी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है. बीटी ब्रिंजल की बात करें बेटा तो ये आपको याद करना है कि बीटी ब्रिंजल को किस तरीके से किस लिए डेवलप किया गया था, इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए डेवलप किया गया था. जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन सक्सेसफुली यूज फॉर प्रोड्यूसिंग एनिमल लाइक बुल फॉर फार्म वर्क एज दे हैव सुपर पावर. नहीं बेटा. ट्रांसजेनिक माइस फॉर टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन बिफोर यूज इन ह्यूमन. इसलिए ये सही है. बी ऑप्शन एनसीईआरटी में दिया गया. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर एंजाइम विच. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की अगर हम बात करते हैं बेटा तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल. बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीटी कॉटन. बीटी कॉटन का कैरेक्टर बताना क्या है, हाई यील्ड एंड रेजिस्टेंट टू बॉल वर्म. यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा. An improved variety of transgenic basmati rice. बहुत common question. Give high yield and rich in the vitamin A. C option हो जाएगा. And which of the following palindromic based sequence of DNA can easily cut by about the middle by the some particular restriction enzyme. तो यहाँ पर आपको palindrome ढूँढना. तो palindrome यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, दूर से दिखाई दे रहा है. GAATTC है ना. इको आर वन के लिए 5-3 प्राइम डायरेक्शन में 5-3 GAATTC. तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. थैंक यू सो मच इस सेशन में जुड़ने के लिए. और जल्दी से लाइक भी कर दो. जो बच्चे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें. और मैं आपको फिर बता देता हूं कि कौन सा पेपर आपने सॉल्व कर लिया है. ये पेपर आपने किया CBSE 2000 प्री का पेपर. मेंस मैंने पहले ही करा दिया था. ये प्री का पेपर है और ये वो पेपर है जिस साल मैं सेलेक्ट हुआ था 2010 में. ये पेपर मैंने खुद दिया था है ना. तो इस पेपर में मैं भी सेलेक्ट हुआ था बेटा. ये प्री का पेपर, तब दो एग्जाम हुआ करते थे, प्रीलिम और मेंस. अब तो खत्म कर दिया गया, अब सिंपल नीट कर दिया गया इसी को है ना. 8:40 पे हमने शुरू किया था और 9:17 पे हमने पूरा कर लिया. 9:17 पे हमने पूरा कर लिया है. 8:40 से 9:17 जोड़ लो कितना टाइम हो गया, 37 मिनट में आपने 100 क्वेश्चन कर लिए. 37 मिनट में आपने
100 क्वेश्चन, क्या स्पीड है आपके एग्जाम में, ऐसे ही करना है बेटा आपको, एग्जाम में ऐसे ही करना है, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो जल्दी से लाइक करिए बेटा, जल्दी से सारे बच्चे लाइक करिए, और फिर हम लोग बेटा मिलते हैं शाम को 7:30 बजे। 4 चैप्टर में रिवाइज करूंगा, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री आप पढ़ते रहो, बाकी मैं बायो आपका रिवाइज करवा दूंगा, पूरे 38 चैप्टर मैंने पहले भी आपसे कहा है, ठीक है? तो शाम को 7:30 बजे हम लोग फिर से मिलेंगे, जहां पर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के 3 चैप्टर, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एनिमल टिश्यू, कॉकरोच, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। और इवोल्यूशन कल रह गया था बेटा, तो इस इवोल्यूशन चैप्टर को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो शाम को 7:30 बजे, क्योंकि मॉर्फोलॉजी में ज्यादातर चीजें याद करने वाली ही हैं। क्लियर बच्चों? तो चलिए हम लोग मिलते हैं शाम को 7:30 बजे। और अभी 10:30 बजे जो बच्चे नए हो, जान ले कि 10:30 बजे अमृता मैम की क्लास होगी, जो आपको एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलीज कराएंगे, रिवाइज कराएंगी। 12 बजे अनुराग सर की क्लास होगी, जो आपको फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। 3 बजे अमृता मैम की क्लास होगी, जो आपको बायो के क्वेश्चन कराएंगी, 150 क्वेश्चन मैराथन। फिर 5 बजे अनुराग सर की केमिस्ट्री की क्लास होगी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराएंगे। और 7:30 बजे फिर से मेरी क्लास होगी, जहां पर मैं एनसीईआरटी का रिवीजन आपको कराऊंगा। क्लियर बच्चों? तो चलिए आप अपनी पढ़ाई करिए बेटा, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक